और उन्होंने जो है इस तरह के कानून लागू किए थे जिनके आधार पर जो है ब्लैक पॉपुलेशन को जो है कम्प्लीटली, जितने भी कलर्ड आई मीन नॉन वाइट्स जितने भी थे साउथ अफ्रीका में, उनको जो है कम्प्लीटली मार्जिनलाइज कर दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके लिए जो है अलग से जो आई मीन उनके लिए जो है बहुत ही रिमोट एरियाज वगैरह को जो है उनके सेटलमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया कि ब्लैक जो है वो सिर्फ उन्हीं एरियाज में रह सकते हैं, उन्हीं में वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है इंटररेशियल मैरिजेज को इलीगल कर दिया गया और इन सब जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। तो इस तरह से जो है हर एक फ्रंट पर जो है ब्लैक्स के आई मीन कलर्ड रेसेस के साथ जो है इस अपार्थाइड रिजीम के अंदर जो है भेदभाव होता था। तो बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर ये साउथ अफ्रीका का एक यूनिक सिस्टम था। नाउ रिमेंबर इट वाज जस्ट यूनिक, इट डज नॉट मीन दैट आई मीन इट वाज यूनिक इन इट्स ओन सेंस, बट इट डज नॉट मीन कि रेस या बाकी आधार पर कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो है वो पहले नहीं रही हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ यू नो लाइक कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यू कैन रीड अबाउट इन USA हिस्ट्री एज वेल। हमारे यहाँ भी जो है जाति वगैरह के आधार पर काफ़ी जो है भेदभाव रहा है, यद्यपि ये पॉलिटिकल आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर नहीं था, लीगल लेवल पर नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ ये जो है सामाजिक मान्यताओं के आधार पर था। बट एनीवेज साउथ अफ्रीका में जो है कंप्लीटली गवर्नमेंट पॉलिसी का ये हिस्सा था कि ब्लैक को जो है सेग्रीगेट करना है, सॉरी कलर ड्रेसेस जो है उनको अलग करना है, उनको नॉन वाइट ड्रेसेस से ही सिर्फ अलग नहीं रखना है, उनको जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से भी दूर रखना है, उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से साइड कर देना है। 17th-18th सेंचुरीज वगैरह में जो है ये यूरोपियंस जो थे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वो जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका में आए थे और उन्होंने जो है अपने हथियार और सेना के बल पर जो है वहाँ पर कब्जा कर लिया था, जिस तरह से उन्होंने इंडिया पर कब्जा किया था। लेकिन जिस तरह से इंडिया में जो है वाइट पॉपुलेशन रिलेटिवली कम थी, साउथ अफ्रीका में काफ़ी सारे जो है वाइट्स बस गए थे और वो वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए थे। ओके सिस्टम ऑफ अपार्थाइड जो था वो लोगों को उनके स्किन कलर के आधार पर जो था बांटता था। जो नेटिव लोग थे साउथ अफ्रीका के वो ब्लैक कलर के थे, वो जो है साउथ अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन का 3/4 थे, 75% पॉपुलेशन मेजोरिटी बेसिकली। इसके अलावा दो और भी ग्रुप थे, ये जो है मिक्स्ड रेसेस वाले थे कलर्ड पीपल, और इसके अलावा जो इंडिया से माइग्रेट करके गए थे। ओके ऐसे ही इंडिया से माइग्रेट करके जाने वालों का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी भी गए थे साउथ अफ्रीका, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द हिस्ट्री। अब जो वाइट रूलर्स जो थे वो सारे नॉन वाइट्स को जो है इन्फेरियर मान के चलते थे, और ये नॉन वाइट्स जो थे उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं था। ये हो गया आपका पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। इसके अलावा जो है अपार्थाइड रिजीम जो था ये पर्टिकुलरली ब्लैक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव था, सीवियर था। उनको जो है वाइट एरियाज में रहने की परमिशन नहीं थी, उनको वाइट एरियाज में काम करने की परमिशन तब तक नहीं थी जब तक कि उनके पास कोई परमिट ना हो इसके लिए। ट्रेन में, बसेज में, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट, मतलब जो भी आप जो है पब्लिक यूटिलिटी के सर्विसेज या प्लेसेस को ले लोगे, सब जगह जो है ब्लैक्स और वाइट्स उनके लिए जो है एरिया जो थे वो सेपरेटेड थे। ओके दिस वॉज व्हाट यू कॉल सेग्रीगेशन पॉलिसी, बांटने की पॉलिसी। इसके अलावा ब्लैक्स जो थे वो उन चर्चेज को भी विजिट नहीं कर सकते थे जहाँ पर कि वाइट जो थे वो पूजा करते थे। ब्लैक जो है वो कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। ओके और या फिर अपने जो है अपने प्रति दुर्व्यवहार के प्रति जो है वो विरोध नहीं कर सकते थे। नाउ इफ यू लुक एट ऑल दोज थिंग्स एंड रिमेंबर द व्हाट वी यू नो लाइक रेड इन द प्रीवियस चैप्टर, यू कैन इजीली सी व्हाई दिस अपार्थाइड रिजीम ऑल दो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इट वॉज नॉट डेमोक्रेटिक एट ऑल। ओके 1950 से लेके जो ब्लैक्स थे, कलर्ड थे, इंडियन थे, सभी ने जो है अपार्थाइड रिजीम का विरोध किया। उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किए, उन्होंने जो है हड़ताल किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गया, मतलब कि ये डिफरेंट इस तरह के आई मीन अपार्थाइड विरोधी ग्रुप्स का, पार्टीज का जो है एक ग्रुप बन गया बेसिकली, जिसमें कि बहुत सारे वर्कर्स यूनियन थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी इसमें, और इसके अलावा बहुत सारे जो सेंसिटिव वाइट्स थे, वो वाइट्स जिनको लगता था कि अपार्थाइड रिजीम जो है ये गलत है, अपार्थाइड का जो प्रिंसिपल है सेग्रीगेशन का ये गलत है, उन्होंने भी जो है ANC को ज्वाइन किया था। ओके इसके अलावा जो है बहुत सारे देश थे जिन्होंने कि इस वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट को डिनाउंस कर दिया, उसकी जो है भर्त्सना की, उन्होंने जो है इसको जो है अनजस्ट और रेसिस्ट माना। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो
अपने तरीके से काम करती रही, लोगों को पकड़ पकड़ के, उनको टॉर्चर करके, मार के, ये जो है अपने एजेंडा पे चलते रहे। अब जब लेकिन प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स अपार्थाइड के खिलाफ जब काफ़ी बढ़ गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर भी जो है वो काफ़ी बढ़ने लगा, तो फिर जो है गवर्नमेंट जो है उसको रियलाइजेशन हुआ कि नाउ दे कैन नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, कि अब जो है वो ब्लैक को बहुत दिनों तक जो है दबाव के द्वारा जो है, दमन के द्वारा जो है वो ब्लैक को अपने कंट्रोल में, अपने अंदर जो है नहीं रख सकते थे। और इसलिए जो है जो वाइट रिजीम थी उसने जो है अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। जो डिस्क्रिमिनेटरी जितने भी लॉज थे, लाइक यू नो सेग्रीगेशन वगैरह वाले जो जितने भी कानून थे, उन सभी को जो है ख़त्म कर दिया गया। दे वर रिपील्ड। रिपील का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है ख़त्म कर देना, इनइफेक्टिव कर देना। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बैन लगा दिया गया, मीडिया पर जो रेस्ट्रिक्शन, सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर जो बैन थे, मीडिया के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था, इन सबको हटा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला को जो है वो जेल से बेचारे टहलते हुए बाहर निकले एज ए फ्री मैन। फाइनली मिडनाइट ऑफ 26 ऑफ जनवरी 1994 साउथ अफ्रीका का नया नेशनल फ्लैग जो था वो फहराया गया और एक नई डेमोक्रेसी का उदय हुआ दुनिया में। अपार्थाइड रिजीम जो थी वो ख़त्म हो गई और इसके साथ ही जो है एक बहुनस्लीय मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो थी वो साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश हुई। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो पाया, ओके? और इसमें जो है फिर हम लोग जो है दोबारा मंडेला को ही सुनते हैं, जबकि वो इस एक्स्ट्रॉर्डनरी यू नो अपार्थाइड से लेके जो है डेमोक्रेसी तक के, या फिर कह सकते हो कि सेग्रीगेशन से लेके जो है रेशियल यूनिटी एंड हार्मनी तक के जर्नी के बारे में बताते थे वो। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other। ऐतिहासिक रूप से जो दुश्मन रहे थे उन्होंने वो जो है अपार्थाइड से डेमोक्रेसी तक के इस शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए तब तैयार हो पाए, या वो तैयार हो पाए क्योंकि हम लोग जो थे वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग जो है दूसरे के अंदर जो नेचुरल इनहेरेंट अच्छाई है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness। मेरी इच्छा है कि साउथ अफ्रीका वाले जो है कभी भी अच्छाई में अपने इस विश्वास को छोड़ेंगे नहीं, इसको त्यागेंगे नहीं। That they cherish that faith in human beings, is the cornerstone of our democracy। और साथ ही साथ जो है वो इस चीज़ को चेरिश करे, इस चीज़ को एंजॉय करे कि मानवता में या मानव में जो विश्वास है हमारा, वही हमारे लोकतंत्र का जो है कॉर्नर स्टोन है, वही उसका जो है नींव का पत्थर है। सो दैट इज व्हाट यू लाइक मंडेला टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, दैट जो ऐतिहासिक तौर से जो दुश्मनी चली आ रही थी इन नस्लों के बीच में, वहाँ से लेके और इस नई डेमोक्रेसी तक का जर्नी जो है वो इसलिए हो पाया क्योंकि सब ने जो है एक दूसरे के अंदर इनहेरेंट अच्छाई को एक्सेप्ट किया, एक दूसरे के अंदर जो है जो हमारी एक नैसर्गिक जो हमारा गुडनेस है उसको जो है एक्सेप्ट किया और उसी आधार पर जो है ये आपसी विश्वास जो है वो बन पाया। और आगे जो है वो ये भी इच्छा जताते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो कभी भी अपने इस विश्वास को जो है ना छोड़ें और वो हमेशा जो है इस बात को एंजॉय, इस बात को सेलिब्रेट करें, चेरिश करें क्योंकि मानवता में जो विश्वास है, मानव जन्म में जो उनका विश्वास है, वही जो है उनकी डेमोक्रेसी का के नींव का पत्थर है। इसके बाद जो है जब नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बना तो जो ब्लैक लीडर्स थे, ब्लैक कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, उन्होंने बाकी ब्लैक लोगों से ये अपील की थी कि जो वाइट्स को जो है, जो वाइट्स ने जो इससे पहले अत्याचार किए थे जब वो पावर में थे अपार्थाइड रिजीम के दरमियान, उसको वो माफ़ कर दें। फॉरगिव, एट्रोसिटीज का मतलब होता है क्रूरता, बर्बरता। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मेन एंड वुमेन। इन लीडर्स की यही अपील थी कि भाई नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं जो कि सभी नस्लों और औरत और मर्द सबकी बराबरी के ऊपर आधारित हो, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित हो, सामाजिक न्याय पर आधारित हो और मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स पर आधारित हो। वो पार्टी जिसने कि दमन के द्वारा बेहद ही कह सकते हो कि ब्रूटल मर्डर्स के द्वारा, किलिंग के द्वारा, और वो पार्टी जिसने कि इन सब के विरुद्ध जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, दोनों जो है साथ में बैठ गए थे।
वो पार्टी जिसने कि दमनात्मक नीतियों के द्वारा, ब्रूटल मर्डर्स के द्वारा जो है शासन किया था, और वो पार्टी जिसने कि इस तरह की शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, दोनों साथ साथ होकर बैठे थे एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए। और दो साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद जो है उन्होंने जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान का निर्माण किया। इस संविधान के द्वारा जो है नागरिकों को सबसे ज़्यादा जो है एक्सटेंसिव राइट्स दिए गए, काफ़ी ज़्यादा राइट्स दिए गए सिटीजन्स को। साथ में बैठ के उन्होंने जो है डिसाइड किया कि जब एक समस्या का समाधान खोजना है तो इसमें किसी, इसमें से किसी को भी जो है छांटना नहीं है, किसी को भी जो है इसमें जो है विलन की तरह, डिमन की तरह ट्रीट नहीं करना है। वो ये एग्री कर रहे थे कि हर एक आदमी को जो है, जो ये सॉल्यूशन निकलने वाला है संविधान के थ्रू, उसमें हर एक आदमी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे उसने पास्ट में जो कुछ भी किया हो, पास्ट में उसने चाहे जिस किसी भी चीज़ को, जिस किसी भी मत को जो है रिप्रेजेंट किया हो। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो भी इसी स्पिरिट को जो है समअप करता है, वो प्रीएम्बल जो कि हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। अब जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी दुनिया के डेमोक्रेट्स को इंस्पायर करता है, क्योंकि एक ऐसा देश जिसको कि पूरी दुनिया ने जो है 1994 तक के लिए बिल्कुल त्याग दिया था, डिनाउंस कर दिया था, ठीक है ना, वही जो है अब जो है दुनिया का, जो जो कि उस समय में सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर, स्टेट के तौर पर देखा जाता था, उसी को अब जो है डेमोक्रेसी के मॉडल के तौर पर देखा जा रहा था। और इसमें ये परिवर्तन आया कैसे, इस परिवर्तन को जो संभव बनाया वो था साउथ अफ्रीका के लोगों का साथ मिलकर काम करने का दृढ़ निश्चय, द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन। जो पिछली जो उनकी उनके जो कड़वे अनुभव थे उन्हीं को जो है एक उन्हीं का ग्लू बना के जो है एक रेनबो नेशन का, एक मल्टी कलर्ड नेशन का जो है निर्माण करने का जो उनका था डिटर्मिनेशन, उसी की वजह से संभव हो पाया। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला सेड, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हुए मंडेला बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। साउथ अफ्रीका का संविधान जो है वो भूत और भविष्य दोनों की बात करता है। ऑन द वन हैंड इट इज अ सोलेम पैक्ट इन विच वी द साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटिशन ऑफ आवर रेसिस्ट ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट। एक तरफ जो है ये एक सोलेम पैक्ट है, ठीक है ना, पवित्र हम लोगों का जो है ये पैक्ट है, जिसमें कि हम सभी साउथ अफ्रीकन्स ये डिक्लेयर करते हैं एक दूसरे को कि हम लोग कभी भी जो है अपने इस नस्ल पर आधारित क्रूर और दमनात्मक जो है पास्ट को रिपीट नहीं करेंगे। बट इट इज मोर देन दैट, लेकिन ये संविधान जो है वो इससे कहीं ज्यादा है। इट इज ऑल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इंटू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। ये जो है एक चार्टर भी है हमारे देश के परिवर्तन का, हमारे देश के ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें कि जो कि सभी लोगों के द्वारा सही मायने में शेयर्ड होगा। ए कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, देश जो कि सही मायने में हम सभी का होगा, ओके, ब्लैक एंड वाइट, वुमेन एंड मैन, काले गोरे औरत पुरुष सबका होगा। So basically like Mandela is highlighting how the South African constitution actually acknowledges the past, but at the same time it also charters the path of the future. एक तरफ ये जो है साउथ अफ्रीका के कैसे कि सैड हिस्ट्री को भी रिकॉग्नाइज करता है, याद करता है, और साथ ही साथ जो है उसी से लेसन लेते हुए ये फ्यूचर के लिए भी एक डायरेक्शन तय करता है, जिसमें कि पास्ट की जो गलतियां हुई थी, पास्ट के जो अन्याय हुए थे, उनको दोबारा कभी रिपीट नहीं किया जाएगा, किसी के साथ नहीं किया जाएगा। इन ए वे मंडेला इज यू नो लाइक रिपीटिंग कि जिस तरीके से मान लीजिए कि वाइट रूलर्स ने जिस तरीके से, या वाइट रिजीम, वाइट अपार्थाइड रिजीम ने जिस तरीके से ब्लैक का ऑपरेशन किया था, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया था, मार्जिनलाइजेशन किया था, उस तरीके से जो है कभी ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में ब्लैक उनके साथ करे। अब जो ये साउथ अफ्रीका की स्टोरी हिस्ट्री होने वाली है, सॉरी जर्नी होने वाली है, इट विल बी अबाउट यू नो इंक्लूजन ऑफ ऑल। ये जो है सबके इंक्लूजन की कहानी होगी, सबके अपॉर्चुनिटी की कहानी होगी। एनीवेज
well, you know, like reading about Mandela can immediately, you know, like remind you of Mahatma Gandhi, the freedom struggle of India and everything. And you can actually, you know, like draw many points of comparison between them. For example, kis tarike se jo hai apartheid regime jo South Africa ki thi aur India ki jo colonial government thi unke beech mein kya comparison ho sakte hain, ya fir जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी साउथ अफ्रीका में और इंडिया में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, लाइक यू नो वाइट्स एंड नॉन वाइट्स इन इंडिया, उनके बीच में क्या रिलेशन था, मंडेला और गांधी के लीडरशिप में क्या सिमिलैरिटीज़ है, या फिर किस तरह से वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। अब अगला ये आता है कि चलो ठीक है, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होने वाला था, क्या है ये तो बता दिया गया है, मंडेला ने इसके बारे में काफ़ी कुछ बोला है। सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है, और फिर इसके लिए हम लोग साउथ अफ्रीका के एग्जांपल को ही देख सकते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और संविधान क्या करता है। अब देखिए, इस नए डेमोक्रेसी में जो ऑपरेसर था और जो ऑपरेस्ड था दोनों एक साथ बराबरी में रहने का जो है फैसला कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, राइट। जिसने दमन किया, जिसने शोषण किया और जिसका शोषण हुआ, दोनों को अब साथ साथ रहना है, बराबरी में रहना है। अब ये जो है बहुत इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑपरेस्ड जो है उसको डर रहेगा कि ये फ्यूचर में कहीं दोबारा ऐसा ही ना कर दे, दूसरी तरफ जो ऑपरेसर है उसको डर रहेगा कि कहीं ये ऑपरेस्ड फ्यूचर में मेरे से बदला लेने की कोशिश ना करे। तो दोनों जो है, दोनों के लिए मुश्किल होगा, दोनों को डर होगा इस बात का, और इसलिए दोनों जो है अपने हितों की रक्षा करना चाहेंगे। तो ऐसे में जो ब्लैक मेजोरिटी थी वो ये एंश्योर करना चाहती थी कि मेजोरिटी रूल का जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि ब्लैक जो है उनके लिए सब्सटैंशियल सोशल और इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए, क्योंकि पहले जिस तरीके से उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया, उनको कमजोर बना दिया गया, तो इसलिए वो जो है एक्सटेंसिव सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जो वाइट माइनॉरिटी थी उसको इस बात की टेंशन थी कि जो उसके प्रिविलेजेस थे और जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो बची रहे, ओके। बाद में जो है लंबे नेगोशिएशन के बाद दोनों पार्टी जो थी वो कंप्रोमाइज के लिए तैयार हुई। व्हाइट्स जो थे उन्होंने जो है मेजोरिटी रूल के सिद्धांत को माना, और साथ ही साथ कि एक आदमी एक वोट और एक वैल्यू, इस सिद्धांत को भी मान लिया, चलो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। दूसरी तरफ जो है उन्होंने जो है कुछ बेसिक राइट्स जो थे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उनको भी मान लिया व्हाइट्स ने। दूसरी तरफ ब्लैक्स जो थे वो एग्री हो गए कि जो मेजोरिटी रूल होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि मतलब मेजोरिटी के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो सिर्फ अपनी मनमर्जी की नहीं करेगी, वो ये मान वो उन्होंने जो है ये एग्री किया कि वो जो है संविधान के दायरे में ही काम करेंगे, जो नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका सम्मान करेंगे, ये बेसिक आइडिया हो गया। और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि जो जो गवर्नमेंट होगी मेजोरिटी गवर्नमेंट वो जो है वाइट माइनॉरिटी की संपत्ति जब्त नहीं करेगी। ये भी कंप्रोमाइज़ बहुत ही आसान नहीं रहा होगा, ओके, क्योंकि पहली बात ये कॉम्प्रोमाइज़ इंप्लीमेंट कैसे होने वाला है, दूसरी बात है कि अगर मान लो वो एक दूसरे पर विश्वास कर भी लेते हैं तो क्या भरोसा है कि ये विश्वास फ्यूचर में नहीं टूटेगा। इफ़ यू एक्चुअली यू लाइक फॉलो साउथ अफ्रीकाज न्यूज़ इन रिसेंट टाइम्स, आप पाइएगा कि अब वहाँ पर जो है रिवर्स रेसिज्म के बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं, और बहुत सारे जो इस तरह के न्यूज होते हैं वो ये बताते हैं किस तरीके से जो है अब वाइट्स के अगेंस्ट जो है ब्लैक जो हैं वो वायलेंस कमिट करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। ऑफकोर्स लाइक दीज रिपोर्ट्स आर नॉट वेरीफाइड, ओके, बट यू कैन यू जस्ट लुक एट दोज, आई मीन यू कैन जस्ट सर्च फॉर दोज रिपोर्ट्स एंड सी फॉर योर सेल्फ। एनीवेज, अब मान लो कि ठीक है वाइट तैयार हो गए कि ब्लैक जो आई मीन जो मेजोरिटी रूल होगा, हर एक आदमी को वोट डालने का अधिकार होगा, सबके वोट की बराबर वैल्यू होगी, तो एक बार तय हो गई कि जो 3/4 पॉपुलेशन है ब्लैक इन साउथ अफ्रीका उनकी मेजोरिटी सरकार बनेगी हमेशा, राइट। अगली बात कि उनको जो है सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस चाहिए थे, कुछ उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए उनको कुछ चाहिए थे राइट्स, चलो ठीक है भाई उनको जो है कुछ इकोनॉमिक राइट्स दिए गए, सोशल राइट्स दिए गए काफ़ी ज़्यादा ब्लैक्स को। दूसरी तरफ जो है ब्लैक जो थे वो भी इस बात के लिए तैयार हुए कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी वो भी जो है संविधान के दायरे में काम करेगी, नागरिक अधिकारों का सम्मान करेगी, राइट, और जो वाइट माइनॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है छीना नहीं जाएगा। अब लेकिन ये चीज़ें जो हैं तभी काम करेगी, या फिर इसके बेसिस पर ट्रस्ट जो है वो तभी बना रह सकता है जब तक कि ये रूल्स जो है वो लिखे जाएं, ओके, और सब जो है इस रूल को माने, ओके। यही रूल्स जो हैं वही ये तय करते हैं ना कि रूलर जो है भविष्य में कैसे चुना जाएगा, यही रूल ये भी तय करते हैं कि जो
इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो चुनी हुई सरकार होगी, वो उसके उसमें क्या क्या पावर होगा करने का और क्या क्या नहीं करने का, ओके okay? वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं वो यही बुक बताएगा, यही रूल्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि नागरिकों का हक क्या होगा, ओके okay? और ये रूल जो है वो तभी काम करेंगे अगर जो जीतेगा वो उसको चेंज ना कर सके, राइट right? आसानी से, और यही काम साउथ अफ्रीकन्स ने किया। उन्होंने जो है कुछ बेसिक रूल्स बनाए और साथ ही साथ जो है उन्होंने जो है ये तय किया कि ये जो बेसिक रूल होंगे ये सुप्रीम होंगे और कोई भी गवर्नमेंट इन फ्यूचर जो है वो इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकती है, और यही इन्हीं बेसिक रूल्स जो थे उनको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन, ओके okay? अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वो यूनिक नहीं है साउथ अफ्रीका के लिए, हर एक देश के पास जो है, आई मीन हर एक देश के पास मान लो कि डाइवर्स पॉपुलेशन ग्रुप है, उन सभी के बीच का रिलेशन जो है वो साउथ अफ्रीका जितना जो है बुरा नहीं हो सकता है, राइट लेकिन फिर भी जो है लोगों के विचार में उनके हित में जो है फर्क हो सकता है, राइट अब ऐसे में जो है चाहे डेमोक्रेटिक हो या ना हो, ज़्यादातर कंट्री दुनिया में जो है उनको लगता है कि कुछ जो है बेसिक रूल्स का सेट जो है वो होना चाहिए, संविधान जो है वो एक होना चाहिए, ओके और ये सिर्फ जो है सरकार के लिए नहीं है, किसी भी एसोसिएशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर जो है एक सॉर्ट ऑफ एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ओके चाहे आप जो है अपने यहाँ किसी अब आप किसी कंपनी के बारे में देख लीजिए, किसी ट्रस्ट के बारे में देख लीजिए, उनका जो है अपना एक ये कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का टाइप करके होता है, राइट जहाँ पर कि ये डिफाइन किया जाता है कि संस्था जो है वो कैसे काम करेगी, तो वैसे ही देश के लिए हो गया। तो दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास जो है ये संविधान जो है वो मौजूद होता ही होता है, और बेसिकली संविधान क्या हो गया, वो जो है एक सेट ऑफ रिटन रूल्स हो गया किसी भी देश का, जो कि जो भी उस देश के रहने वाले हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। साथ ही साथ संविधान जो है वो सबसे बड़ा कानून है जो कि ये डिटर्मिन करता है कि जो लोग रह रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, जो सिटीजन हैं इस कंट्री के, राइट उनके बीच का रिलेशन कैसा रहेगा, और साथ ही साथ इन सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में बीच का रिलेशन क्या रहेगा, ओके तो इस तरह से संविधान जो है वो बहुत सारी चीजें करता है। इट जेनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये जो है एक सर्टेन लेवल तक का जो है विश्वास और कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है जो कि अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहने के लिए एक आवश्यकता है। साथ ही साथ जो है इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। ये भी स्पेसिफाई करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा और साथ ही साथ जो है किसमें जो है कौन सा डिसीजन लेने का पावर होगा। थर्ड इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। ये जो है गवर्नमेंट के पावर्स का भी लिमिट जो है ये डिफाइन कर देता है और बताता है कि नागरिकों का अधिकार क्या है। फोर्थ इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। ये जो है लोगों की आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है एक अच्छा समाज बनाने के लिए कि लाइक जो सिटीजन्स हैं वो किस तरीके की सोसाइटी बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, उन आकांक्षाओं को भी जो है ये व्यक्त करता है। ओके अब एक बात क्या है, मैंने जैसे आपको कहा था पहले कि दुनिया के ज्यादातर देश के पास संविधान है, लेकिन संविधान होने का यह मतलब नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। ओके जितने सारे देश जितने सारे देश जिनके पास संविधान है जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो जाए, लेकिन हाँ जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी उन सभी में संविधान का होना जो है वो आवश्यक है। अब आजादी की लड़ाई के बाद ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी उसके बाद जो है ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उसके बाद उन्होंने भी एक संविधान का निर्माण किया था। उसी तरीके से जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा ही ऑलरेडी, राइट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है उन्होंने वहाँ के लिए जो है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चुना था, एक्चुअली वो संविधान कई बार बना था बाद में, राइट इस तरीके से जो है हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ये एक ट्रेंड है कि भाई एक लिखित जो है संविधान होना चाहिए, वो संविधान जिसका पालन जो है वो सभी व्यक्ति जो है वो पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे। ओके okay?